पाप किया इन लोगों ने, इतिहास माफ नहीं करेगा। सुन लेना आप, भगवान न्याय करते हैं, न्याय होगा, बीजेपी का अंत हो जाएगा। अब ओढ़नी पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, मोदी सरकार ने आते ही एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और स्पेशल एक्साइज ड्यूटी और सेस लगाया। एक्साइज ड्यूटी लगती थी पेट्रोल डीजल पे, सेस तो आपने नई नई ड्यूटीज पैदा की। जब $71 प्रति बैरल क्रूड ऑयल हो गया तब भी आपने पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं किया, अब की बार भी नहीं किया। तो जब मनमोहन सिंह जी के टाइम पे जब $130 प्रति बैरल था क्रूड ऑयल, अब तो $85 प्रति बैरल है, तो आपने पेट्रोल डीजल में तो सस्ता ही नहीं किया। आम आदमी तो पेट्रोल डीजल में मर रहा है रोज रोज, आपकी उसकी जेब काटते हो पेट्रोल डीजल के नाम पर। क्योंकि आप बहुत, मैं नहीं कह रहा, इनके केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कही अभी कि पेट्रोल डीजल कंपनियों को सस्ता करना चाहिए। क्या नाटक कर रहे हो भैया, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी कहते हैं कि पेट्रोल डीजल सस्ता होना चाहिए, सस्ता नहीं होता, और बजट में भी आपने छूट नहीं दी। कहां है गैस सिलेंडर की सब्सिडी, खा गए पूरी सब्सिडी, खत्म कर दी इन्होंने, दो तीन साल से खुद ही खा रहे पूरा डकार रहे। तो गैस सिलेंडर पे सब्सिडी देते 500 रुपए की, 500 रुपए कम करते गैस सिलेंडर पे, तब जाके बजट की कोई सुनवाई होती। आटे पर 5% टैक्स लगा दिया, आटा दाल चावल दही छाछ मुरमुरे, और आटे के बाद पराठा बन गया तो 18% टैक्स लगा दिया। तो ये टैक्स तो घटाओ, दिया क्या देश को, 5 की जगह 7 कर दिया, नाटक है ये। आप पूरी जेब काट के ले गए, कपड़े ले गए, पैसे ले गए, कुछ नहीं छोड़ा जनता के पास। नोटबंदी के बाद 50 दिन दे दो देश बदल दूंगा, बदल गया देश, भूखा मर गया लोग। तो आप चाहते क्या है, 15 लाख और अच्छे दिन, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, क्या है ये सब नहीं मिला बजट में। बजट जीरो है, जीरो बाय। सोना और चांदी जो इन्होंने महंगा किया, देश की धर्म और संस्कृति पर हमला, गरीब से लेकर अमीर तक, मीडियम क्लास से लेकर गरीब तक, सबको सोना और चांदी चाहिए शादी में, मकान और दुकान बिक जाते हैं, आपने वो भी महंगे कर दिए। छोड़ा क्या आपने जनता की जेब में, कुछ नहीं है, जनता की जेब काट के ले गई केंद्र की सरकार, धोखा है। इस बजट से देश को जनता को कुछ नहीं मिलेगा, ये बजट आंकड़ों का मायाजाल है, बेवकूफ बनाने का धंधा है। जैसे नोटबंदी में देश को बर्बाद कर दिया, वैसे इस बजट ने देश को बर्बाद कर दिया।